हेलो व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे जो यूजर डिटेल्स है उसको सेव कर सकते हैं अपने लोकल स्टोरेज में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे एडमिन के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, और उसके बाद हम जो लॉग्ड इन यूजर होगा उसको हम नेविगेट करेंगे रोल बेस के ऊपर उसके मॉड्यूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मैं ऑथ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारे पास एडमिन अकाउंट। तो बेसिकली हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में एक ही एडमिन होगा, तो उसके लिए हम उसकी क्रेडेंशियल को हार्ड कोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसको यूजर पोस्ट के जरिए यूजर के टेबल में स्टोर कर लेंगे। मेथड जो कि होगा हमारे पास पब्लिक। और हमारे पास रिटर्न टाइप इसकी होगी वॉइड, और यहाँ पर मेथड का नेम जो कि है क्रिएट एडमिन अकाउंट। आगे हमने कुछ पास नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हमने एक कंडीशन लगानी है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पर मैं यूजर का, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो यूजर रिपोजिटरी में एक क्यूरी लगाओ जो कि है फाइंड बाय यूजर रोल, और यहाँ पर हमने सिंपल पास कर देना है अपना यूजर रोल जो कि है यूजर रोल डॉट एडमिन। ये जो क्यूरी है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं अपने यूजर रिपॉजिटरी में। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो जाके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इफ कंडीशन में चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो एडमिन अकाउंट है अगर वो इज इक्वल टू नल है तो ही आपने इसकी क्रेडेंशियल को सेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो उसके लिए इफ कंडीशन के बाद यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने यूजर का, न्यू यूजर। और यहाँ पर हम सेट कर देंगे यूजर डॉट सेट नेम, यूजर डॉट सेट नेम, यहाँ पर मैं नेम हार्ड कोड कर देता हूँ जो कि है एडमिन, यूजर डॉट सेट ईमेल, यहाँ पर मैं ईमेल सेट कर देता हूँ जो कि होगी हमारे पास एडमिन एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, और यहाँ पर हम पासवर्ड सेट करेंगे जो कि हम करेंगे न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, और यहाँ पर हम पासवर्ड हार्ड कोड कर देंगे जो कि है हमारे पास एडमिन। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें सेट कर दी हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर रोल भी सेट करना है जो कि है यूजर डॉट सेट यूजर रोल जो कि होगा हमारे पास यूजर रोल डॉट एडमिन। हमने यहाँ पर चार चीज़ें सेट कर दी हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। उसके बाद हम यूजर रिपॉजिटरी को कॉल करेंगे जो कि होगी हमारे पास यूजर रिपॉजिटरी डॉट सेव मेथड, और यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर पास कर देना यूजर ऑब्जेक्ट। बस इतना ही काम है इसका। और यहाँ पर एक एनोटेशन जो कि है एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट। इस एनोटेशन की बेसिकली वर्किंग ये है कि ये जो एनोटेशन है ये जिस मेथड के ऊपर भी आप लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट कॉल कर देगा जब भी आप ये एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होगी। तो यहाँ पर हमें इस मेथड को इन्वॉक करने की कोई जरूरत नहीं है किसी और एपीआई के जरिए। हमने यहाँ पर सिंपल एनोटेशन लगा दिए जो कि इस मेथड को कॉल कर देगी जब भी हमारे पास एंगुलर एप्लीकेशन रन हो। तो मैं यहाँ पर एंगुलर एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूजर एंटिटी को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगुलर एप्लीकेशन सॉरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रही है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एडमिन का अकाउंट है वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने एक इंसर्ट कर दिया यूजर के टेबल में हमारा एक रिकॉर्ड। तो चलते हैं अपने वर्कबेंच की तरफ और रिफ्रेश करता हूँ मैं यूजर्स का टेबल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास टू आईडी के साथ एडमिन की क्रेडेंशियल सेव हो चुकी है, जिसमें हमारे पास ईमेल, पासवर्ड और उसका नेम और उसके यहाँ पर रोल जो कि हमारे पास जीरो है। ये दूसरा हमारे पास यूजर है उसका रोल हमारे पास कस्टमर है, तो यहाँ पर उसने वन स्टोर किया। और जो इम्पोर्टेंट बात वो यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो यू एडमिन का पासवर्ड है वो मैंने हैश फॉर्म में स्टोर किया है। लाइक हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट हमने पास किया है, तो यहाँ पर बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर ने उसको हैश फॉर्म में चेंज करके डाटाबेस में स्टोर कर दिया ताकि ये रीडेबल ना हो किसी और यूजर के लिए। तो चलते हैं एंगुलर एप्लीकेशन की तरफ, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारे पास एक एडमिन का और दूसरा कस्टमर का। तो
तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक कमांड ऐड करनी है एनजी जी फॉर जनरेट फॉर मॉड्यूल, और यहाँ पर पैकेज जो कि है मुझे रखना चाह रहा हूँ मॉड्यूल्स को उस पैकेज के अंदर, और यहाँ पर हमने मॉड्यूल का नाम पास कर देना है। राउटिंग फाइल भी चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ, राउटिंग माइन हाइफन हाइफन राउटिंग इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल का पैकेज उसके अंदर एडमिन का मॉड्यूल क्रिएट कर देगा, जिसके साथ साथ हमारे पास एक राउटिंग की क्लास भी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, एक और मॉड्यूल भी हमें चाहिए जो कि हमारे पास कस्टमर का, तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ नेम कस्टमर। ओके, हिट इंटर, कस्टमर का मॉड्यूल भी क्रिएट हो चुका है राउटिंग फाइल के साथ साथ। ओके, तो हमने दोनों मॉड्यूल में जो डैशबोर्ड का कंपोनेंट है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमांड राइट करनी है एनजी जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, हमने मॉड्यूल का पैकेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें चाहिए एडमिन मॉड्यूल के अंदर एक और सब पैकेज जो कि होगा एडमिन कंपो नेट स्लैश, यहाँ पर हमने पास कर देना है कंपोनेंट का नाम जो कि है डैशबोर्ड। ओके, हिट इंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हमें कस्टमर के मॉड्यूल में भी डैशबोर्ड का कंपोनेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए कमांड होगी एनजी जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट मॉड्यूल्स पैकेज, और यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है कस्टमर का मॉड्यूल स्लैश यहाँ पर सब पैकेज जो कि होगा कस्टमर कंपोनेंट स्लैश डैश बोर्ड। ओके, हिट इंटर, यहाँ पर ये कस्टमर मॉड्यूल के अंदर भी एक सब पैकेज क्रिएट करेगा जो कि होगा कस्टमर कंपोनेंट्स, उसके अंदर डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं, मैं यहाँ से टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं अपनी ऐप राउटिंग मॉड्यूल में। यहाँ पर हम अपने दोनों के दोनों जो मॉड्यूल हैं उसको हम यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल पाथ देना जो कि होगा हमारा एडमिन, अगर होगा तो आपने लोड चिल्ड्रन करना है जो कि होगा बनाना ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पर हमने सिंपल पास कर देना मॉड्यूल स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन मॉड्यूल। ओके, और उसके बाद यहाँ पर डॉट देन हमने यहाँ पर एरो एम डॉट एडमिन मॉड्यूल। ओके, इसके साथ साथ हम यहाँ पर कस्टमर को भी रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर उसका पाथ चेंज कर दूंगा मैं जो कि होगा हमारे पास कस्टमर, उसके बाद हमने यहाँ पर कस्टमर के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मॉड्यूल स्लैश कस्टमर स्लैश कस्टमर मॉड्यूल। ओके, और यहाँ पर हमने सिंपल कस्टमर मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो हमारे पास जो दोनों मॉड्यूल्स हैं वो सक्सेसफुली हमारे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद फर्दर हमें जाना है अपने जो एडमिन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है अपना ये कंपोनेंट जो कि हमने क्रिएट किया है एडमिन कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पर हमने सिंपल पाथ ऐड करना है जो कि है डैशबोर्ड, अगर इस टाइप का कुछ यूआरएल आए तो आपने लोड कर देना कंपोनेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट जो कि होगा एडमिन कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर हमने सेम एस कस्टमर राउटिंग मॉड्यूल में जाना है, और यहाँ पर भी कस्टमर का जो डैशबोर्ड है वो हम यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट को जो कि होगा हमारे पास कस्टमर कंपोनेंट से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है अपने मॉड्यूल्स भी और कंपोनेंट्स भी। ओके, तो हम चलते हैं अपनी जो स्टोरेज सर्विस है उसकी तरफ, और यहाँ पर मैं कुछ मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होंगे हमारे पास स्टैटिक गेट टोकन। ओके, जो कि होगा बेसिकली हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का टोकन। ओके, और यहाँ पर हमने रिटर्न कर देना है विंडो सॉरी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर हमने पास कर देना है टोकन। ओके, ये मैं यहाँ ला कर दे देगा टोकन। ओके, और उसके बाद एक और मेथड जो कि है स्टैटिक गेट यूजर रोल। ओके, ये भी बेसिकली हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल जो कि है कॉन्स्ट यूजर। दिस डॉट गेट यूजर एक मेथड होगा जो कि कॉल करेगा इज इक्वल टू दिस डॉट गेट यूजर। ओके, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ जो हमारे पास यूजर है अगर वो इज इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे रिटर्न एम्प्टी। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे रिटर्न यूजर डॉट रोल। ओके, तो मैं ये गेट यूजर का मेथड क्रिएट कर लेता हूँ स्टैटिक गेट यूजर। ओके, तो बेसिकली हमारे पास गेट यूजर में यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एनी कि कुछ भी यहाँ पर रिटर्न हो सकता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे जेसन डॉट पार्स। ओके, इसके आगे उन्होंने यहाँ पर पास करा देना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। हमने यहाँ पर गेट करना है अपने यूजर को। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पर तीन मेथड क्रिएट किए हैं जो कि एक फर्स्ट वन है हमारे पास गेट टोकन का, दूसरा हमारे पास गेट यूजर का, और तीसरा हमारे पास रोल का। ओके, उसके बाद यहाँ पर दो और मेथड क्रिएट करने हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो एडमिन लॉगिन है ये यूजर लॉगिन है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं स्टैटिक इज एडमिन लॉग इन। ओके, ये मेथड का नाम हो गया। ये होगा हमारे पास बूलियन टाइप का। यहाँ पे हम यानी हम हमारे पास ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ओके, सो इज एडमिन हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो इफ इज डॉट गेट टोकन, हमने यहाँ पर मेथड कॉल करना है, अगर वो ट्रिपल इज इक्वल टू नल है तो आप यहाँ पर रिटर्न करा दें फॉल्स। ओके, अदरवाइज यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट टाइप का रोल। ओके, स्ट्रिंग, और यहाँ पर सिंपल हमने गेट कर लेना है दिस डॉट गेट यूजर रोल। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे रोल इज इक्वल टू एडमिन। ओके, सेम एज हम करेंगे यहाँ पर चेक अपने कस्टमर के लिए, तो उसके यहाँ पर मेथड का नाम होगा इज कस्टमर लॉग्ड इन। ओके, और यहाँ पर सिंपल हम रिटर्न करा देंगे कस्टमर। ओके, तो चलते हैं अपनी लॉग इन कंपोनेंट टीएस की तरफ, और यहाँ पर हमने ऐड करना है इफ कंडीशन जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्टोरेज सर्विस में एक मेथड है इज यूजर लॉग्ड इन का, और सॉरी इज एडमिन लॉग्ड इन का, अगर ये है तो हमने यहाँ पर सिंपल अपने जो यूजर है उसको नेविगेट करा देंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL। ओके, और यहाँ पर हमने सिंपल पास कर देना है अपने जो एडमिन है उसके डैशबोर्ड का URL। ओके, तो यहाँ पर हमने पास करा दिया है एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पर राउटर को भी अपने जो कंपोनेंट है इसमें इंजेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट राउटर राउटर। ओके,
और यहाँ पर एल्स कंडीशन, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास स्टोरेज सर्विस है उसमें एक मेथड है इस कस्टमर लॉग्ड इन का। अगर ऐसा है तो आपने दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल आपने नेविगेट कर देना है यूजर को कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड में। ओके ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल चेक कर रहे हैं कि हमारे पास अगर जो एडमिन लॉग्ड इन है, अगर एडमिन अपनी क्रेडेंशियल ओपन करेगा और हम उसका रोल चेक करेंगे जो कि हमें डेटाबेस से सॉरी बैकेंड से मिलेगा, उसके बिहाफ पे हम जो एडमिन है उसको एडमिन मॉड्यूल की तरफ मूव कर देंगे। अगर हमारे पास जो कस्टमर है कस्टमर लॉगिन करेगा तो हम उसको कस्टमर में कस्टमर की तरफ नेविगेट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपनी यूआई की तरफ के, देखते हैं हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए आपने एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन की क्रेडेंशियल है admin@taft.com और यहाँ पर पासवर्ड जो कि है एडमिन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने हमें नेविगेट कर दिया है एडमिन मॉड्यूल की तरफ और उसके साथ बाद डैशबोर्ड। यहाँ पर देख सकते हो कि डैशबोर्ड कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ID2 है और उसका रोल है एडमिन, ये हमें उसने एडमिन मॉड्यूल की तरफ ही नेविगेट कर दिया है। तो चलिए हम इसको कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अपना जो कस्टमर है उसको लॉग इन करके देखते हैं ये जो नेविगेट कर रहा है हमें कस्टमर मॉड्यूल की तरफ या नहीं। ओके, तो यहाँ पर यूजर कस्टमर की मैं क्रेडेंशियल एंटर कर लेता हूँ user@test.com और यूजर इसे लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कस्टमर डैशबोर्ड यहाँ पर लोड हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पर आप इसकी जो कंसोल में वैल्यूज आ रही हैं वो भी आप देख सकते हो कि ID यहाँ पर और रोल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। उसके साथ साथ हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी पर भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हम साइन अप लॉगिन और रिफ्रेश टोकन की APIs को देख रहे हैं। ओके, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, मैं दोनों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, और अगर आप भी कुछ क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।